महकमे आबकारी के हुकाम की जानिब से हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में बड़े पैमाने पर पब्स की तनखी की गई। अहदेदारों ने 25 पब्स में ड्रग्स डिटेक्टर किट्स के साथ मुआयने किए। वहां आने वालों की जानिब से ड्रग्स के इस्तेमाल की भी जाँच की गई। बताया गया है कि उन मुआयनों में किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कमलासन रेड्डी ने बताया कि पब्स में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में गांजा और मंशियात की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को चौकस कर दिया गया है। खास तौर पर पुलिस और महकमे आबकारी के हुकाम की जानिब से ड्रग्स की फरोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गाजा में मज़ाहमत कारों के साथ लड़ाई में इसराइली मेजर जनरल समेत 3 सिपाहियों की हो गई मौत। इसराइली फौज ने गाजा पट्टी में मज़ाहमत कारों के साथ लड़ाई में 1 मेजर जनरल समेत 3 अहलकारों की हलाकत का एतराफ किया। मुकामी मीडिया ने बताया है कि मरने वालों में से 1 रिजर्व मैनेजर जनरल यानू तेजाक ओरियन शामिल हैं, जिसकी उम्र 35 साल थी। वो बटालियन 811 से मुंसलिक था। इसके अलावा यरूशलम ब्रिगेड 16 का सिपाही वस्ती गाजा पट्टी में एक लड़ाई में मारा गया। इसी तरह के हमले में मजीद 1 फौजी हलाक होने की इत्तला है। मुस्तफ़ा निर्मल के मोहल्ले असरा कॉलोनी में जहूर अली खान, जो कुछ अरसे से अलील थे, आज सुबह केवल इन साथों में इंतकाल कर गए। वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर बेटे आबिद अली खान अपने रिश्तेदारों को वालिद की मौत की इत्तला देते हुए गम से निढाल हो गए और उनका भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इस वाक़े के साथ ही निर्मल में रंज गम की लहर दौड़ गई। जहूर अली खान की उम्र 74 बरस थी, जबकि आबिद अली खान की उम्र 52 साल बताई जाती है। एक ही घर से बाप बेटे के जनाजे का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। हर आम शहरी की जुबान पर इस वाक़े को लेकर रंज गम की लहर देखी जा रही है। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में रॉयल कॉलोनी में मुकामी पुलिस और SOT टीम ने मुश्तरक तौर पर गार्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस दौरान गैर दस्तावेजा शुदा 63 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि मुकामी लोगों की शिकायत पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने कहा कि मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैर समाजी अनासर की जानिब से इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस का कहना था कि इस गार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकामी लोगों ने काफ़ी अच्छा तआवुन किया। मुकामी पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से कराया वाकिफ। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरस रोवेसी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में पथराव और बुलडोजर के जरिए हाजी शहजाद अली की हवेली को मसमार करने के वाक़े की मजम्मत की। ओवैसी ने कहा, मैंने हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ रामगिरी महाराज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था। इस दौरान एडिशनल SP वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने हाजी शहजाद अली से कहा कि आप आवाम को समझाएं। उसने एहतजाज करने वाले लोगों को मनाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ पत्थर भी मारे गए। उसके बाद उसका 20,000 मुरबा गज में बनाया हुआ घर मसमार कर दिया गया। उसके पास इस घर की इजाज़त भी थी। अगर इजाज़त नहीं थी तो भी वो नोटिस भेजे और अदालत से रुजू करें। ओवैसी ने कहा, मैं BJP के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज आपके पास इख्तदार है, कल आपके पास इख्तदार नहीं रहेगा और कोई और हुकूमत आएगी तो क्या वो हुकूमत आपकी जिम्मेदार लोगों और उनके घरों को बुलडोजर से गिरा देगी? उन्होंने सवाल किया कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आईन की खिलाफ वर्जी नहीं है? उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पार्लियामेंट में आईन को चूमते हैं और मध्य प्रदेश में BJP हुकूमत आईन की धज्जियाँ उड़ा रही है। तेलंगाना के कोत्तागुड़म में सिंगरनी कॉलरीज हाई स्कूल के एक टीचर को तालिबात के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम के बाद मुअत्तल कर दिया गया, जिसके बाद मुलज़िम टीचर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तालिबे इल्मों के सरपरस्तों ने स्कूल में एहतजाज करते हुए मुलज़िम उस्ताद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़िला तालीमी हुकाम ने उस्ताद को मुअत्तल करके उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सिंगरनी एजुकेशनल सोसाइटी ने कहा कि पुलिस की तहकीक़ात के बाद सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस रोवेसी ने गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके वक्त तरमीमी बिल साल 2024 पर तबादला ख्याल किया। रोवेसी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला था कि वो सेक्युलर पार्टियों के वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उन्हें वक्त बिल के नुकसानदेह असरात की वजाहत करें। हमने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बताया कि यह बिल दीगर मसाइल के अलावा मजहबी आज़ादी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुरी तरह मुतासर करेगा। हमने उनसे इस बारे में बात की कि यह बिल किस तरह वक्फ के मुकद्दस को ख़त्म करता है और वक्फ आला औलाद को तब्दील करता है और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान को शामिल करने की गुंजाइश से भी वाकिफ करवाया।
नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में हाइड्रा की इन्हदामी सरगर्मियों पर दहरी में रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद की शनाख्त झीलों और चट्टानों से है। माहिरीन माहौलियात ने उन पर नाजायज़ कब्ज़ों पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तालाबों पर नाजायज़ तामीरात से मुस्तकबिल की नस्लों को नुकसान पहुँचने के अंदेशे जाहिर किए हैं और उन नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने का हुकूमत से मुतालबा किया। तालाबों और झीलों के तहफ़ुज़ के लिए हाइड्रा तश्कील दिया गया है। हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयों का आवाम बड़े पैमाने पर खैर मकदम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हदामी कार्रवाई से कबल नोटिस जारी की जा रही है, जिसके बाद इन्हदामी कार्रवाई को मंजूरी दी जा रही है। हैदराबाद में फूड सेफ्टी से मुतालिक बढ़ती तशवीश के पेश नज़र फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने शहर में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के हॉस्टल्स पर धावे किए। GHMC के हुक्म के मुताबिक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने 21 और 24 अगस्त के दरमियान कम से कम 28 खानगी और गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस के हॉस्टल्स पर धावे किए हैं, जिसमें किचन, पकवान के बर्तन, स्टोरेज एरिया, तैयार गजाई अशिया, खाम मटेरियल्स, सेहत, सफाई वगैरह के मुआयने किए गए। अलमनगर जोन में 4 रेजिडेंशियल हॉस्टल्स, चामिनार में 6 हॉस्टल्स, खैरताबाद में 5, श्रीलिंगमपल्ली में 5, कुकटपल्ली में 4 और सिकंदराबाद में 4 हॉस्टल्स में मुआयने किए गए, जिसमें कई बेकायदियों का पता चला, जिससे तलबा की ज़्यादा तादाद किचन्स, स्टोर रूम्स, वॉशरूम्स और टॉयलेट्स में नाकिस हिफ्ज़ान सेहत, पीने के पानी की कमी, रूम्स में नाकिस रोशनी वगैरह। हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी हॉस्टल्स पर धावे करते हुए फूड सेफ्टी से मुतालिक इंस्पेक्शन किए गए।